ये सरकार इसका स्टेट के अंदर खाली जाति के नाम पे आपस में झगड़ा लगाकर इस मुल्क के अंदर जो है इंतजार फैला रही है। पिछले 3 साल से सिर्फ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और गवर्नमेंट की तरफ से खाली जो है टालम टोली का धंधा किया जा रहा है। ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस सरकार की नीति और नियत पे अपन को सवाल है। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे को कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आज तक नहीं मिला कि मजदूरों के मसाइल को सुनकर मसले का हल निकाले। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स टीम फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर 24/7 एट बारे हिल सर्कल रिंग रोड गुलबर्गा। जेंटी समिति की तरफ से आज सेंट्रल ऑफिस के सामने तमाम स्टेट के अंदर जहाँ डिविजन ऑफिस है और जहाँ सेंट्रल ऑफिस है एक दिन का धरने का जेंटी समिति से ऐलान किया गया था। उसी ऐलान के तहत हम लोग आज सेंट्रल ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार से हमारा एक ही डिमांड है कि पिछले 3 साल से हमारे जो चार्ट ऑफ डिमांड्स हमने सबमिट किए थे हर 4 साल में हमारा पे स्केल होना है, मगर 3 साल हो गए मैनेजमेंट और गवर्नमेंट हमसे बुलाकर बात करने को तैयार नहीं है। हमारा डिमांड एक ही है कि हमारे जो चार्ट ऑफ डिमांड हैं सरकार और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे जो समिति के तमाम जिम्मेदारों को बुलाकर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के बात करके हमारे जो है जो भी डिमांड्स उस पर डिस्कशन करें और उसका मसले हल निकालें। पिछले 3 साल से सिर्फ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और गवर्नमेंट की तरफ से खाली जो है टालम टोली का धंधा किया जा रहा है। इससे पहले हमने कई मरतबा जो है सरकार के सामने हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे जीने डिमांड है इसके ऊपर बात की जाए। ये पहली मरतबा ऐसा है कि इतनी देर तक हमारे डिमांड नहीं हुए। इससे पहले हमारे साल 1.5 साल के अंदर हमारे चार्ट ऑफ डिमांड जो भी थे उसके ऊपर डिस्कशन होता था, बात होती थी, सरकार हमारे डिमांड को मानती थी। ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस सरकार की नीति और नियत पर अपन को सवाल है। ये सरकार चाहे तो एक ही दिन के अंदर बुला के हमारे बात करके सरकार जो है मसले करने आती है। ये सरकार इसका स्टेट के अंदर खाली जाति के नाम पे आपस में झगड़ा लगाकर इस मुल्क के अंदर जो है इंतजार फैला रही है। ये सरकार को चाहिए कि हमारे जो डिमांड है जो चार्ट ऑफ डिमांड्स के ऊपर पूरा तवज्जो देकर इमीडिएट मसले का हल निकाले, वरना आने वाले दिनों के अंदर जेंटी समिति 2012 और 2016 के अंदर हमारे डिमांड के लिए हमने रोडों के ऊपर अपने स्ट्राइक करके हमने अपने मसले का हल निकाला था। वरना सरकार अगर इस बात पर अगर नहीं मानती तो आने वाले दिनों में जेंटी समिति जो कर देगी उसके ऊपर हम पूरी ताकत के साथ आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है स्ट्राइक के लिए भी जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ, बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे को कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आज तक नहीं मिला कि मजदूरों के मसाइल को सुनकर मसले का हल निकाले। एक तरफ तो मैनेजमेंट में मसले एम्प्लॉयज़ के ऊपर बेइंतहा हरासमेंट है, हर बात के ऊपर मेमो और चार्जशीट का बाजार गर्म है। ऑफिसर्स के अंदर जो है एम्प्लॉयज़ के साथ कोई नरमी का मामला नहीं है। इतनी तकलीफ में इतनी महंगाई के अंदर आज हमारे को जीना मुश्किल हो गया है। सरकार से हमारी डिमांड है कि हमारे कोई ऐसे जीने ऐसे कोई दूसरे डिमांड नहीं है, हमको जीने के लिए हमारा पे स्केल अच्छी तरह से कई मसले का हल निकाल के करके देंगे, मेरे को उम्मीद है। वरना आने वाले दिनों के अंदर फिर एक मरतबा अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती तो पूरी बस को पूरे कर्नाटक के अंदर फिर बंद करके हम अपना डिमांड को फुलफिल करना हम जानते हैं। मैं फिर एक मरतबा सरकार से हमारे डिमांड के बारे में हमारे सिद्धप्पा पालकी साहब बताएंगे, आप सामने फ्रेश लीडर वो चार्ट ऑफ डिमांड्स के बारे में बताएंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी बात को सरकार के सामने रखें। मेरा नाम अब्दुल कलीम, जनरल सेक्रेटरी केएसआरटी स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन जंटी समिति के मेमी एक मेंबर हूँ। ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಂತ 4 ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯ ಕರೆ ಮೇರೆಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಗಳು 1/1/2020 ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕು, 25% ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ರೇಟು ಗರಿಷ್ಠ 3% ಕೊಡಬೇಕು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ವೇತನ ಸೌಲಭ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೌ 3.5% ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ನೌಕರಿಯಿಂದ 0.5% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಹೋದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು MTW ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳಿದೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 14 ತಾಸು ದುಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 14 ತಾಸು ಮೊದಲಾಗಿ MTW ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ದುಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 14 ಬೇಡಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ 60
ಬಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎನಿ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು ಅದು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಈಗ ಒಟ್ಟು 14 ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಉಗ್ರವಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಜಂಟಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಕರೆದು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದೇ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪಾಲ್ಕಿ